हाय गाइज, आई एम राकेश। यू वॉचिंग नर्सिंग ट्रेंड्स। गाइज, एक न्यू नर्सिंग एंड पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट आपके लिए लेके आ गया हूँ। परमानेंट वैकेंसी ये होने वाली है, जिसमें पोस्ट होगी स्टाफ नर्स की, A&M की और फार्मासिस्ट की। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने हैं, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट खोलनी है। क्लिक हियर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने हैं। कौन कौन फॉर्म भर सकता है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पूरी डिटेल से इस वैकेंसी की बात करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, साथ साथ सभी नर्सिंग के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन दबाएं, ताकि नर्सिंग ट्रेंड के किसी का फ्यूचर का भी मिस नहीं करोगे। गाइज, नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया है। ये वैकेंसी उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है। आपकी जॉब लोकेशन उड़ीसा में ही होने वाली है। नोटिफिकेशन की जो वेबसाइट है वो मैं पहले बता चुका हूँ, घेरे में भी आपको दिखाई दे रही है। इस साइट को ओपन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कहाँ क्लिक करना है ये पहले ही बता चुका हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हैं नोटिफिकेशन को, सबसे पहले अपने बात करते हैं पोस्ट की। और ये जो वैकेंसी है ये उड़ीसा गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी होने वाली है, एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब बात कर देते हैं एक जो A&M की वैकेंसी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। मेल कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की पोस्ट है टोटल 34। जिन लोगों ने 10+2 GNM या BSc नर्सिंग की है, INCC से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से की है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन है वो नर्सिंग बोर्ड ऑफ उड़ीसा का होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। पहले साल में ₹10,000 पर मंथ मिलेंगे, उसके बाद में उड़ीसा की गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। फार्मासिस्ट की टोटल 18 पोस्ट है, 10+2 फार्मेसी में डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 9,500 पर मंथ फर्स्ट ईयर में, उसके बाद में जो पे लेवल कंटिन्यू है रेगुलर वो मिलेगा। एक्सरे टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, ECG टेक्नीशियन की भी 1 पोस्ट यहाँ पे होने वाली है। रिलेवेंट कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। A&M की जो पोस्ट है टोटल 5 वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं A&M और स्टाफ नर्स में। 10+2 A&M का कोर्स किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए, और नर्सिंग बोर्ड ऑफ उड़ीसा का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ₹9,000 फर्स्ट ईयर में आपका पे लेवल रहेगा, उसके बाद में उड़ीसा का जो पे लेवल है वो आपको मिलने वाला है। फॉर्म कैसे भरना है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और 2 फरवरी 2020 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, 200 मार्क्स का होने वाला है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और रिटन एग्ज़ाम में आपके पास में 100 मार्क्स जो क्वेश्चन हैं 1 घंटे के, उसमें इंग्लिश उड़ीसा का जनरल नॉलेज और स्टडीज आने वाली है जो सभी पोस्ट के लिए होने वाला है। और दूसरा है टेक्निकल पेपर होगा, यानी आपका जैसे GNM के लिए कर रहे हो, स्टाफ नर्स के लिए कर रहे हैं तो स्टाफ नर्स BSc के क्वेश्चंस, A&M के कर रहे हैं तो A&M के क्वेश्चन, टेक्नीशियन का लैब टेक्नीशियन का कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चन, फार्मासिस्ट करें तो उनके क्वेश्चन 100 आने वाले हैं। इस तरह से आपका 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। 2 फरवरी 2020 तक फॉर्म भर सकते हैं। ₹200 की आपकी एग्जाम फीस रहेगी, जो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। आई होप पूरी चीज़ें आप समझी होगी। फिर भी कोई मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स आकर कमेंट करें, रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जल्दी हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।